चलिए भाई, ये जीवन है, इस जीवन का ओरिजिन कैसे हुई, वो गाना सुना ना, जीवन है, जीवन की ओरिजिन कैसे, ओरिजिन ऑफ लाइफ देखिए। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आपको एनसीईआरटी से तीन चीजें याद करनी है। सबसे पहले आपको याद करना है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, मतलब ये जो ब्रह्मांड है इसकी ओरिजिन कब हुई। तो अगर आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखना है तो ये 20 बिलियन ईयर्स अगो हुई, यहाँ BYE का मतलब हुआ बिलियन ईयर्स अगो। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुई, धरती का निर्माण कब हुआ, तो धरती का जो निर्माण हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ जो हुई, वो हुई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई, जीवन का निर्माण कब हुआ, तो आपको जवाब देना है 4.0 बिलियन ईयर अगो। ये तीनों बात मेडिकल के टिकट में एक्सप्लेन है, मतलब इस पूरे यूनिवर्स की ओरिजिन 20 बिलियन ईयर अगो हुई, अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर अगो हुई, और उसके 500 बिलियन साल बाद जीवन का निर्माण हुआ, मतलब पहली सेल आई। ये तीनों बातें एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है, तीनों आपको आनी चाहिए। तो ओरिजिन आप हम लोगों को इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना चाहिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हम जब ये पढ़ लेंगे तो अब अर्थ की ओरिजिन पढ़ेंगे, तब लाइफ की ओरिजिन पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग इसकी पहले टॉपिक को पढ़ें, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को पढ़ें, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को पढ़ें कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो आपकी एनसीईआरटी यहाँ से शुरू करती है। इसके लिए जो थियोरी दी गई है उस थियोरी का नाम है बिग बैंग थियोरी। बिग बैंग थियोरी है, इस थियोरी ने बिग बैंग थियोरी ने सबसे पहले यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन किया। क्या कहा उसको, इसको जिस व्यक्ति ने प्रपोज किया, जिस व्यक्ति ने इसका कॉन्सेप्ट दिया, उनका नाम था अबे लेमेंटियर। ये एक वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है अबे लेमेंटियर नाम है। इन्होंने सबसे पहले बिग बैंग थियोरी का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई। तो यहाँ बिग माने बड़ा होता है और बैंग माने विस्फोट होता है। आप मूवी से मत जोड़िएगा, एक मूवी आई थी बैंग बैंग, तो बैंग बैंग नहीं है, ये बिग बैंग थियोरी है जिसको अबे लेमेंटियर ने एक्सप्लेन किया। अबे लेमेंटियर कहते क्या है, अबे लेमेंटियर ये कहते हैं कि अर्थ की जो ओरिजिन हुई है वो एक खास तरह की प्लेट से हुई है। ये देखिए, ये हाईली कंडेंस्ड प्लेट थी, बहुत ही कंडेंस्ड एक तरह की प्लेट थी। ये एक प्लेट थी यूनिवर्स में, 20 बिलियन साल पहले की घटना है, 20 बिलियन ईयर्स अगो की यह घटना है। एक प्लेट थी जो बहुत ही हाईली कंडेंस थी। तो इस प्लेट में थर्मो माने टेम्परेचर के द्वारा, मैं लिख देता हूं उसको, थर्मो माने टेम्परेचर के द्वारा, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, मतलब इस प्लेट में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। आपसे पूछा जाता है कि इस प्लेट में कौन सा एक्सप्लोजन हुआ, तो आपको टेम्परेचर के द्वारा और न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा इस प्लेट में एक एक्सप्लोजन हुआ, और इस एक्सप्लोजन के कारण इसके कोर में एक हॉट प्लेट बनी। इस प्लेट को आगे चल के हम लोगों ने सन कहा, ये सूर्य है, और इस सन के अराउंड ढेर सारे प्लैनेट्स बने। ऐसे देखिए, ढेर सारे प्लैनेट्स बने। इस सन और इसके प्लैनेट्स को मिला के, आप यहां लिख सकते हैं, इस सन और इसके प्लैनेट्स को मिला के हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। इसी में अर्थ का निर्माण हुआ। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। मिल्की वे इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मांड में ये देखने पे ये सफेद कलर की, दुधिया कलर की दिखाई पड़ती है, इसलिए जो अर्थ है वो इस गैलेक्सी में पाई जाती है। तो जाहिर जमीन अबे लेमेंटियर ने इस तरह से अर्थ की ओरिजिन बताई,
यूनिवर्स की ओरिजिन बताई कि कंडेंस प्लेट थी, इस कंडेंस प्लेट में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण सन बना और उसके प्लैनेट्स बने, सन और इसके प्लैनेट्स को मिला के हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। तो आपके कंपटीशन के हिसाब से इतना परफेक्ट है, ये काम हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का निर्माण कैसे हुआ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप देखें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला अगर हम लोग देखें तो पहले आप एंशिएंट थियोरीज देख लीजिए, एंशिएंट थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन के निर्माण के लिए पुरानी थियोरियां क्या है, लोग क्या कहते हैं, एंशिएंट थियोरीज क्या है कि जीवन के निर्माण कैसे हुआ। तो अगर आप एंशिएंट थियोरीज देखें, एंशिएंट थियोरीज देखें, तो आप देखें इसमें जो सबसे पहली थियोरी है, जो सबसे पहली थियोरी है वो है थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। देखिए किसी ने कुछ देखा नहीं है, ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है, सब अपने हिसाब से बोलते हैं। तो ये पहली धार्मिक थियोरी है, रिलीजियस थियोरी है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में है कि इस नेचर को बनाया किसने, ब्रह्मा ने, जिसे जनरेटर कहते हैं। इसको खाना पीना कौन दे रहा है, विष्णु ने, उसे ऑपरेटर कहते हैं। इसको इसमें जब संख्या बढ़ती है तो कम कौन करता है, उसको शंकर कहते हैं, जिसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं। जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर से गॉड बनता है। इसी तरह से यहाँ लिखिए, देखिए लिखा हुआ है कि जीवन के निर्माण कैसे हुआ, उसकी पुरानी थियोरीज क्या है। ये रिलीजियस थियोरीज हैं, धार्मिक थियोरियाँ हैं जिसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं होता है। जैसे आप देखिए थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को जो है, सबसे पहले इस थियोरी को जिस आदमी दिया उनका नाम फादर सरेज था। ये वैज्ञानिक है जिनका नाम फादर सरेज है। इन्होंने कहा कि लाइफ और जो जीवन है इसका पूरा निर्माण 6 दिन में हो गया। पहले दिन धरती आसमान चांद सितारे बने, दूसरे दिन मछलियां बनी, तीसरे दिन कुछ और बना, 6 दिन में पूरी धरती आसमान चांद सितारे सबका निर्माण हो गया। लेकिन जब इन्होंने इनसे पूछा कि कैसे हुआ, क्या आपने देखा, कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये रिलीजन है, ये धर्म है, और धर्म जो होता है वो उसको लोग जल्दी बुरा नहीं मानते हैं, अगर आप उसका विरोध करते हैं तो लोग बल्कि आपको नास्तिक कहते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आया जीवन के निर्माण के रिस्पेक्ट में जिसको फादर सरेज ने दिया। देख लीजिए थियोरी का नाम है थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जब एनसीईआरटी में नहीं है क्या जरूरत है पढ़ने की। दूसरी थियोरी देखिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इस थियोरी का नाम है थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये देखिए थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑटो बायो जेनेसिस। देखेंगे ध्यान देंगे आप लोग इस पे, ऑटो बायोजेनेसिस कहते हैं। थियोरी का नाम पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको इसको ध्यान देना है। पहले मैं यहाँ लिख दूँ, ये बात एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन की हुई है, अब क्योंकि एनसीईआरटी ने किया तो आपको पढ़ना पड़ेगा। थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसे दिया किसने, आपने इनका नाम सुना होगा अरस्तु ने, बहुत बड़ा नाम है अरस्तु नाम है। ये देखिए सुकरात का नाम आपने सुना होगा, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा आपने, आपने प्लेटो का नाम सुना होगा। इन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया, ये सब ग्रीक फिलोसफर है, अगर आप देखें तो ये सब ग्रीक फिलोसफर है, मतलब साइंस ग्रीक फिलोसफर है। ये क्या कहते हैं, कहते ये हैं, इनकी बात सुनिए, कहते हैं कि जो नील नदी है, जो नील रिवर है, उससे जो है नील रिवर से अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ऑटोमेटिकली फ्रॉग, फिर देखिए सलामेंडर, ऑटोमेटिकली फ्रॉग सलामेंडर, ये निकल के अपने आप टहलने लगते हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, ये कहते हैं, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले लोग ये कहते हैं, ऑटो बायोजेनेसिस वाले,
कि भैया देखिए ऐसा है, चाहे से ऑटोबायोजेसिस कहें चाहे से एबायोजेसिस कहें, कि इसमें ऑटोबायोजेसिस ही कहेंगे। अरस्तु, सुकरात और प्लेटो इस कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कह रहे नील नदी से फ्रॉग और सेलामेंडर अपने आप निकल के टहल रहे हैं ना, मतलब नील नदी क्या, उसे पानी भरा हुआ है, पानी से जो है फ्रॉग और सेलामेंडर निकल के टहल रहे हैं। जब इससे साइंटिफिक कॉज पूछा गया, साइंटिफिक रीजन पूछा गया, तो ये अरस्तु सुकरात और प्लेटो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एक थियरी और पड़ती है, एक थियरी और बसती है, तो उसको आप यहीं पर देख लें, एक नाम और है। एक थियरी है कॉस्मोजोइक थियरी, कॉस्मोजोइक थियरी, इसको भी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। इस थियरी को अर्हेनियस देते हैं, साइंटिस्ट का नाम है अर्हेनियस, ये देखिए अर्हेनियस देते हैं। अर्हेनियस कहते हैं कि जो जीवन है उसका जो निर्माण है, जो जीवन है वो स्पोर्ट्स के फॉर्म में, स्पोर्ट्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। ये देखिए कह रहे हैं कि एक इस एक एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जो लाइफ है वो ट्रेवल कर रही है, किसके फॉर्म में, स्पोर्ट्स के फॉर्म में। एक बार आप फिर से पूरा इसका ओवरव्यू ले लें, ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ यूनिवर्स से जो 20 बिलियन ईयर से वो हो रही है, अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर से वो हो रही है, ओरिजिन ऑफ लाइफ 4.0 बिलियन ईयर से वो हो रही है, तीनों बातें एनसीईआरटी में लिखी है। जो अर्थ की गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात किया जाए तो बिग बैंग थियरी है, जिसको चार्ल्स लेवेंदियर ने कहा एक हाईली कंडेंस्ड प्लेट है जिसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, जिससे सन और उसके प्लेनेट का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। एंशियंट थियरीज आई, पुरानी थियरीज आई, वो बताती है कि जीवन का निर्माण कैसे हुआ, लाइफ कैसे आई इस धरती पे, ये स्पेशल क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आया। फादर सरेस कहते हैं कि पूरे अर्थ का और पूरी लाइफ का ओरिजिन 6 दिनों में हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी लिखा है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जीवन अपने आप बन के तैयार हो गया। कौन कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान है, अरस्तु वगैरह बायोलॉजी वायोलॉजी जो अभी पढ़ते हैं, सुकरात प्लेटो बड़े नाम है, ग्रीक फिलोसफर है, कहते हैं कि कुछ नहीं, नील नदी से फ्रॉग सेलामेंडर से निकल के टहल रहे हैं, मतलब पानी से फ्रॉग सेलामेंडर बन जा रहे हैं। और ये देखिए कॉस्मोजोइक थियरी आई, अर्हेनियस ने दिया, कहते हैं कि स्पोर्ट्स के फॉर्म में लाइफ ट्रेवल कर रही है, एक एक जो है प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे स्पोर्ट्स के फॉर्म में लाइफ ट्रेवल कर रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को दुनिया कई सालों तक मानती रही, कई सालों तक, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि ग्रीक फिलोसफर है और उसमें जो ये कहते थे वही बात सत्य होती थी। और इन्होंने ये बात कही कि जीवन का निर्माण पानी से हुआ, फ्रॉग सेलामेंडर से ऐसे लाइफ निकल के टहल रही है, मतलब ना कोई इसका साइंटिफिक रीजन है ना कोई बेसिस है, और उन्होंने ये बात कह दी। इसको डिसप्रूव करने में कि नॉन लिविंग से, ये कह रहे हैं नॉन लिविंग से लिविंग की ओरिजिन हो रही है, इसे डिसप्रूव करना है, और लिविंग से लिविंग की ओरिजिन हो रही है इसे प्रूव करना है, इसके लिए थियरी ऑफ बायोजेनेसिस आती है, जो हम आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने आपको भी ये बताया कि ये थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस आई, इसे एनसीईआरटी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसे ऑटोबायोजेनेसिस कहते हैं। ऑटोबायोजेनेसिस माने हुआ कि ये लोग ये कह रहे हैं, सुकरात प्लेटो और अरस्तु, सुकरात प्लेटो अरस्तु, ये लोग ये कह रहे हैं, इन लोगों ने, ये फिलासफर है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन बड़ी शिद्दत से इनका नाम लिया जाता है बायोलॉजी के, बायोलॉजी में अरस्तु का नाम लिया जाता है, प्लेटो फिलासफर हैं, सुकरात भी फिलासफर हैं, लेकिन सब ग्रीक के थे, मतलब ग्रीक फिलासफर थे। तो ये लोग ये कह रहे थे कि नील नदी से, जो नील नदी है इससे ऑटोमेटिकली जो है फ्रॉग और सेलामेंडर जो है ऐसे ऑटोमेटिकली बन के पानी में निकल के तैरने लगते हैं। इनका जो सपोर्टर था इस थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस का, जो सबसे बड़े सपोर्टर थे, उनका नाम वान हेलमॉन्ट था। वान हेलमॉन्ट ने तो तब हद कर दिया कि जब इन्होंने ये कहा कि टी शर्ट को अगर पसीने से भीगी हुई टी शर्ट हो और उसको आप अंधेरे में रखें तो 21 दिन बाद चूहिया निकल के टहलने लगती है। तो पसीने से भीगी हुई टी शर्ट, टी शर्ट क्या हुई, नॉन लिविंग है, और उससे चूहिया बन के टहलने लगती है, चूहिया क्या लिविंग है। तो ये थियरी जो एबायोजेनेसिस थियरी है, ये ग्रीक फिलोसफर है और ये कह रहे हैं कि नॉन लिविंग से लिविंग की ओरिजिन होती है, इस आदमी तो हद कर दी। हद क्या कर दी, हद ये कर दी, किसने कहा भीगी हुई टी शर्ट पसीने की हो, जैसे पसीना हो, टी शर्ट भीगी हुई हो और उसका पंधेरे लग दिए, 21 दिन में चूहिया बन के टहलने लगेगी। इनको कैंसिल करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए ये थियरी आई। इस थियरी को हम लोग कहते हैं थियरी ऑफ बायोजेनेसिस,
थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब हुआ लिविंग से लिविंग की ओरिजिन हुई। ये देखिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई। इस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को हार्बे और हक्सले ने दिया, हार्बे एंड हक्सले ने दिया, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया, हार्बे और हक्सले ने दिया ये कॉन्सेप्ट। ये देखिए इन्होंने कहा ओमिस बाइबम एक्स बीबो, ओमिस बाइबम एक्स बीबो कहा, ये लैटिन टर्मिनोलॉजी कहा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल लिविंग से ही लिविंग की ओरिजिन होती है। ये टाइम कौन सा है, ये टाइम है 1640 का, 1640 का दुनिया है। ये दोनों कह रहे हैं, ये हार्वे और हेक्सले जो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ओमनिस बाइबम एक्स बीबो, मतलब लिविंग से लिविंग की स्टडी होती है। और ये लोग क्या कह रहे हैं, नहीं, नील नदी का पानी जो नॉन लिविंग है उससे फ्रॉग और सेलेमेंटर लिविंग की ओरिजिन हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि लिविंग से लिविंग की ओरिजिन हो रही 1640 में, और ये लोग जो ग्रीक फिलोसफर ये कह रहे हैं नहीं, नील नदी मतलब जो नॉन लिविंग उससे फ्रॉग और सेलेमेंटर की ओरिजिन हो रही है। इनको डिस्प्रूव करना आसान काम नहीं था, क्योंकि ये फिलोसफर हैं और आज भी बड़ी इज्जत से इनका नाम लेते हैं। तो इन्होंने ये बात कही जरूर कि ओमनिस बाइबम एक्स बीबो मतलब लिविंग से लिविंग की ओरिजिन होती है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे स्टूडेंट्स, जिगरी यार, लिविंग से लिविंग की ओरिजिन होती है, ये बात हार्पे और हक्सले कह रहे हैं, लेकिन इनकी बात को किसी व्यक्ति ने माना नहीं। इनके सपोर्टर्स आए, इनको सपोर्ट करने वाले लोग आए, हार्वे और हक्सले को सपोर्ट करने वाले लोग आए। कौन कौन से लोग आए, नाम देखिए। पहला आदमी आता है जिसका नाम था फ्रांसिस्को रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी, ये इटालियन था, मतलब ये इटली के थे, मैं यहां लिख देता हूं। दूसरा आए लजेरो स्प्लेंजिनी, ये देखिए ये दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लजेरो स्प्लेंजिनी, नाम था इनका लजेरो स्प्लेंजिनी था। ये दोनों इटली के थे, इटालियन थे। ये क्या प्रूफ करना चाहते हैं, ये प्रूफ करना चाहते हैं कि लिविंग से लिविंग की ओरिजिन होती है। और ये लोग क्या कह रहे थे, नॉन से लिविंग की ओरिजिन होती है। तीसरा जो आदमी आया, ये आया लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर आए, आपने सुना होगा लुईस पाश्चर का नाम। इन्हें इन्होंने थ्योरी ऑफ जर्म डिजीजेस दिया था, ये फ्रेंच हैं। आपको कंट्री का भी नाम याद रखना है कि किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों ने भी सपोर्ट किया, इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को किसी ने पूरी तरह से माना नहीं, इसीलिए एनसीईआरटी ने इनका नाम नहीं लिखा। ये जो तीसरा नाम है आप ध्यान से देखिए, लुईस पाश्चर का नाम है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया यह प्रूव करने के लिए लिविंग से लिविंग की ओरिजिन हुई, और यह डिस्प्रूव करने के लिए नॉन से लिविंग की ओरिजिन हुई, नॉन लिविंग से लिविंग की ओरिजिन हुई, इन्होंने फाइनली बात इन्हें डिस्प्रूव किया और इन्हें प्रूव किया। इसलिए एनसीईआरटी ने लुईस पाश्चर को एक्सप्लेन किया है, अपनी एनसीईआरटी ने लुईस पाश्चर को एक्सप्लेन किया है। आइए हम लोग लुईस पाश्चर को यहां पर देख लेते हैं। तो अगर आप लुईस पाश्चर को देख रहे हैं तो आप यहां लिखिए लुईस पाश्चर का नाम लिखिए, सबसे पहले इज्जत से नाम लिखिए इनका नाम, लुईस पाश्चर का नाम लिखना है आपको, PASTER लुईस पाश्चर का नाम लिखना है, लिखना है कि ये आदमी फ्रेंच है, मतलब ये फ्रेंच है। और आपको ये लिखना है कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 1862 में था, ये लिखना है आपको लुईस पाश्चर को। इन्होंने दिया था, आप इनके बारे में एक बात और लिखें, इन्होंने दिया था जर्म थियरी ऑफ डिजीजेस, जर्म थियरी ऑफ डिजीजेस दिया था। इसके लिए ये फेमस है, ये भी लिख दीजिए, सब कुछ लिख दीजिए जो इनके बारे में पूछा जाता है, लिख दीजिए जर्म थियरी ऑफ डिजीजेस। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक, ये देखिए एक्सपेरिमेंट, ये लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट है। मैं बड़े बड़े भाषाओं में लिख देता हूं कि आपके एनसीईआरटी ने दिया है,
इसलिए आपको पढ़ना है। अभी बात पूरी नहीं हुई, पूरी सुन लीजिएगा। तो लुईस पास्टर कह रहे हैं कि लिविंग से लिविंग की ओरिजिन होती है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कह नहीं रहे, कहते तो हार्वे एक्सले ने कहा था, और ये कहते हैं कि नॉन लिविंग से लिविंग की ओरिजिन है, इसको डिस्प्रूव करना चाहते हैं। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, लुईस पास्टर ने, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दो चीजें ली अपने एक्सपेरिमेंट में। एक तो स्टरलाइज्ड सीरप लिया, स्टरलाइज्ड शुगर, लिया, प्लस इन्होंने किल्ड ईस्ट लिया। देखिए स्टरलाइज्ड इसलिए लिया कि उसमें से पहले कोई लाइफ ना हो, स्टरलाइज्ड मतलब जिससे पहले से कोई बैक्टीरिया नहीं है। तो स्टरलाइज्ड शुगर लिया प्लस किल्ड ईस्ट लिया, और उन्होंने दो बर्तन लिए ऐसे, देखिए जैसे हमारे यहाँ चाय के बर्तन होते हैं जिससे हम लोग चाय परोसी जाती है, ऐसे बर्तन लिए इस तरह से, ऐसे देखिए इस तरह से इन्होंने दो बर्तन लिए इस तरह से, और इस बर्तन में देखिए इसमें गर्दन ऐसे निकली रहती है, ये अपने यहाँ इंडिया में से केतली कहा जाता है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ऐसे इन्होंने केतली जैसे दो बर्तन लिए, दोनों बर्तन आप बना दीजिए ऐसे यहाँ पे, ये देखिए ऐसे बर्तन लिए, ये देखिए इन्होंने किया क्या कि पहले बर्तन की ये जो माउथ थी इसको इन्होंने तोड़ दिया, ये वाला मतलब पहले वाले का इन्होंने गर्दन तोड़ दिया यहां पे, जबकि जो दूसरी की गर्दन थी इसको कंप्लीट इन्होंने बनाए रखा, ये देखिए। अब आप देखिए इसकी ये गर्दन टूटी थी पहले वाले का जो फ्लास्क है, ये जो पहले बर्तन था, और दूसरा वाला जो बर्तन भी है इसके बर्तन को इन्होंने बंद रखा, इसके मुंह को इन्होंने पार्चमेंट मेम्ब्रेन से लॉक कर दिया, यहां पे देखिए मतलब इसके मुंह को इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया, इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मुंह बंद हुआ है, और इसमें इन्होंने क्या रखा, ये लिखा हुआ है स्टरलाइज्ड शुगर प्लस किल्ड ईस्ट को रखा, और उसके बाद इन्होंने क्या किया इसके अंदर इन दोनों केमिकल्स को रख दिया, किस केमिकल को, स्टरलाइज्ड शुगर को और किल्ड ईस्ट को इन्होंने इन्हीं बर्तन में रख दिया, इन दोनों बर्तन में। देख ये रहे कि जिसका माउथ खुला हुआ है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर गए, मतलब इसमें बैक्टीरिया डेवलप कर गए, लेकिन इसमें कोई भी बैक्टीरिया डेवलप नहीं किए। जिसका मुंह खुला हुआ था उसमें बैक्टीरिया आके डेवलप हो गए, जिसका मुंह बंद था उसमें कोई भी बैक्टीरिया डेवलप नहीं हुए। अंत में उन्होंने ये बात कही क्योंकि इसका मुंह खुला हुआ था इसलिए इन्वायरमेंट से बैक्टीरिया इसके अंदर आया, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। इसमें भी शुगर और किल्ड ईस्ट था लेकिन इसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं किए क्योंकि इसका माउथ क्या था, बंद था। अगर इसमें भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते तो क्या हो जाता कि शुगर और किल्ड ईस्ट से बैक्टीरिया बनता है, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग बनता है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाए इस वाले एरिया में क्योंकि इसका मुंह बंद था। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता है बल्कि लिविंग से लिविंग बनता है। इस तरह से इन लुईस पास्टर ने क्या किया, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूफ किया। लेकिन जब लोगों ने यह पूछा कि पहली सेल का निर्माण कैसे हुआ तो उसका जवाब ये लुईस पास्टर नहीं दे पाए। फिर से सुन लीजिए, लुईस पास्टर ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया, इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया मतलब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूफ किया, लेकिन हाउ फर्स्ट सेलराइज पहली सेल कैसी बनी इसका जवाब लुईस पास्टर नहीं दे पाए। मैं दोबारा फिर से रिपीट करता हूं इसमें कि लुईस पास्टर ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया, एनसीईआरटी कि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनती इसे डिस्प्रूव किया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूफ किया लिविंग से लिविंग बनता है इसे प्रूफ किया। लेकिन जब लोगों ने यह पूछा कि पहले सेल की ओरिजिन कैसी होती है इसका जवाब लुईस पास्टर नहीं दे पाए। तो अगर आपसे पूछा जाए लुईस पास्टर के स्वान ने एक्सपेरिमेंट का लिमिटेशन क्या है तो उन्होंने ये जवाब नहीं दे पाए, वो ये नहीं बता पाए कि पहली सेल का निर्माण कहां से हुआ। तो मैंने अभी आपको यह बात बताई कि लुईस पास्टर ने स्वानिक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसके एक्सपेरिमेंट के बाद डिस्प्रूव किया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को, प्रूव किया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को, मतलब उन्होंने ये बताया कि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता है बल्कि उन्होंने ये बताया कि लिविंग से लिविंग की ओरिजिन होती है, लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से डेवलप होती है। लेकिन उनके सामने जब यह प्रश्न रखा गया कि हाउ फर्स्ट सेलराइज
पहले सेल का निर्माण कैसे हुआ, पहले जीवन का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका जवाब ये लुईस पास्टर नहीं दे पाए। ये पूरी बात, ये जितनी बातें मैंने लिखी है, ये पूरी की पूरी बात एनसीईआरटी में है। तो अब हमारे सामने, हमने एक बात तो सॉल्व कर दी, हमने नहीं सॉल्व किया बल्कि लुईस पास्टर ने सॉल्व कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया नॉन लिविंग से लिविंग की ओरिजिन होती है, प्रूव कर दिया कि लिविंग से लिविंग की ओरिजिन होती है। लेकिन जब उन्होंने, लोगों ने उनसे ये पूछा कि चलो भाई बताओ ठीक है नॉन लिविंग से लिविंग की ओरिजिन नहीं होती है, लिविंग से लिविंग की ओरिजिन होती मान लिया, लेकिन पहले जीवन कैसे आई, पहला सेल आया, तो वही बात हो गई ना कि पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया। अब आपको खुद ही इस हमारे पूरे लेक्चर्स में आपको ये ढूंढ के बताना है कि पहले मुर्गी आई कि पहला अंडा आया, आप तय करेंगे, आपके हाथ में डिसीजन है। देखिए तय करिए, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, तय करना है आपको। आइए हम क्या तय करेंगे, आइए देखा जाए। अब अगली जो थियोरी आई इसको इसको देखिए, पहले आप समझ लीजिए पढ़ाने क्या जा रहा हूं, ये तो प्रूफ डिस्प्रूव हो गया, मामला खत्म, मामला यहां अटक गया। पहला सेल कैसे आई, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, पहले सेल कहां से आई, तो इसके लिए जो थियोरी आई वो थियोरी आई इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, मॉडर्न थियोरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये थियोरी आई मॉडर्न थियोरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन के निर्माण के लिए मॉडर्न थियोरी आई। इसे इन लोगों ने और नाम दिया केमिकल थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसका एक नाम और दिया गया, इसका नाम नेचुरलिस्टिक थियोरी है, नेचुरलिस्टिक थियोरी है। देखिए कितनी थियोरीज के नाम है, इसको हम लोग नेचुरलिस्टिक थियोरी कहते हैं। सीधे काम की बात पे आ जाते हैं, इस थियोरी का जो पॉपुलर नाम है वो है ओपेरिन हार्डेन थियोरी। ये देखिए ये थियोरी है उन साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और ये बताया कि पहली सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पहली सेल का इवोल्यूशन कहां से हुआ, पहली सेल आई कहां से। तो अगर आप ओपेरिन का नाम देख लें तो ओपेरिन का पूरा नाम था ए आई ओपेरिन, याद रखिएगा इनका पूरा नाम था ए आई ओपेरिन। ये आदमी रशिया का है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार इनके घर का इनके कंट्री का नाम पूछा जाता है, तो आप याद रखना कि ए आई ओपेरिन रशिया के थे। एंड ये देखिए ये दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जेवियस हार्डेन। आपको इसमें प्रसन्नता का मौका मिल गया है, ये पैदा तो हुए इंग्लैंड में पैदा हुए, लेकिन ये देखिए ये इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट। पैदा तो हुए इंग्लैंड में, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे इस प्यारे भारत देश में बिताया। तो ये हो गए रशिया के, ये हो गए इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट के। इनकी जो किताब थी, इनकी जो बुक थी, इन लोगों की जो बुक थी, उस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, किताब का ही नाम था। संजोग से देखिए जो चैप्टर का नाम है वही किताब का नाम है, तो आपको ऐसे भी याद आ जाएगा कि इनकी बुक्स का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन लोगों ने कहा क्या, ये जो ओपेरिन हार्डेन थियरी ये क्या कहती है, ये क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि पहली सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये क्या कहते हैं, आप इसको एक बार देख लें, समझ लें, आपको अपने आप सारी बात समझ में आ जाएगी। ये कहते हैं कि जब जीवन का निर्माण हो रहा था, जो धरती थी उस पर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फ्री एटम्स थे, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के फ्री एटम्स थे। इसको इन्होंने एटॉमिक फेज कहा कि धरती जो थी वो पहले एटॉमिक फेज में थी। क्या क्या था, देखिए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फ्री एटम्स थे, और देखिए इस फेज को हम लोगों ने प्री एटॉमिक फेज कहा। फिर इन्होंने कहा कि अर्थ पे दो चीजों का पहले निर्माण हुआ, एक अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ और एक वाटर का। ये फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे। ये देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब अर्थ पे पहले कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फ्री एटम्स थे, फिर अमोनिया वाटर का फॉर्मेशन हुआ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। इसके बाद आपको ये देखना है कि इस अर्थ पे मीथेन का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ
हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ। ये जो थे अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ध्यान दीजिएगा कौन से कंपाउंड थे, अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। मैं अभी इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आपको ये समझना है, फिर इसके बाद आपको ये देखना है अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। इसके बाद ये देखना है आपको, देखिए इन लोगों से अमीनो एसिड बनी, इन लोगों से सिंपल सुगर बनी, इनसे फास्फेट बना, नाइट्रोजन के बेसिस बने। ये देखिए इन्हें हम लोगों ने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। ये देखिए मतलब पहले अर्थ पे कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फ्री एटम्स थे, फिर अमोनिया वाटर का फॉर्मेशन हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, फिर मीथेन हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, वो अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, फिर अमीनो एसिड सिंपल सुगर नाइट्रोजन बेसिस का फॉर्मेशन हुआ जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। इन्हीं लोगों से आगे चल के प्रोटीन्स का डेवलपमेंट हुआ। ये देखिए प्रोटीन्स बनी, ये यहां पर आपको फैटी एसिड लिख लेना है, फैटी एसिड का फॉर्मेशन हुआ था तो यहां पर फैट का फॉर्मेशन हुआ। ये देखिए यहां पर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बने और ये देखिए एक नाम और लिख लीजिए इसमें पॉलीसेक्राइड्स बने, मतलब शुगर बने, कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से अगर आप देखिए तो इनका नाम हो गया, ये जो बन रहे हैं इनका नाम है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। सीधे काम की बात करते हैं, आगे चल के इनसे क्वासरवेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये देखिए फिर इनसे प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन, और फिर इनसे यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन। ये देखिए ये सीक्वेंस एक बार फिर से आप देख लें, अर्थ पे पहले कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फ्री एटम्स थे, फिर उससे अमोनिया और वाटर का फॉर्मेशन हुआ जो पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, फिर अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ मीथेन हाइड्रोजन साइनाइड का, फिर देखिए अमीनो एसिड का, फैटी एसिड का, सिंपल सुगर का, फास्फेट का, नाइट्रोजन के बेसिस का फॉर्मेशन हुआ जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, और देखिए प्रोटीन्स का, फैट का, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद इसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहली सेल जैसे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ इसे क्वासरवेट्स कहते हैं, और इस क्वासरवेट से आगे चल के प्रोकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ, और यूकैरियोटिक सेल से आज तक का जो विकास हो रहा है, लगातार जो विकास हो रहा है उसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, एटॉमिक फेज से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेवलपमेंट को हम लोग केमिकल एवोल्यूशन कहते हैं, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहली सेल का जो डेवलपमेंट हुआ उसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं, और पहली सेल से लेकर अभी तक का जो विकास हुआ उसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं।